बसमिलीम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स असलैक्म डियर स्टूडेंट्स जॉइन योर हैंड्स एंड से दिस ब्यूटीफुल दुआ रबी यर वलात वसीर व तम बिलहर रबी जितनी ओ अल्लाह इंक्रीज माय नॉलेज आमीन एंड स्टूडेंट दिस इज़ योर मैथ्स क्लास एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर टू टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सरकमफेरेंस एरिया एंड वॉल्यूम

जो एक आपको शेप नज़र आ रही है ये किस तरह की शेप है क्या हम इसको कहते हैं क्या हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं बिल्कुल तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं अभी लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर इलेवन में हमने इसके बारे में पढ़ा था ये एक सर्कल है एक राउंड शेप है और बच्चों इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो के सेंटर पे होता है और उसके एज से यानी उसके जो बाउंड्री होती है उससे हम उसको किसी भी पॉइंट से मेजर करें तो वो सेम डिस्टेंस पे होता है और अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में फ़र्दर पढ़ेंगे कि सर्कल क्या चीज़ होती है इसके कौन से पार्ट्स हैं तो बच्चों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसका एक रेडियस है एक सेंटर है तो बच्चों सेंटर होता है उसका वो पॉइंट जहाँ से हम सर्कल को बनाना शुरू करते हैं और फिर एक पॉइंट आता है हमारे पास सर्कल से हम किसी भी यानी सेंटर से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो कि सर्कल के जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर जाके हम उसको मिलेगा वो उसको टच करेगा उस लाइन को हम कहते हैं रेडियस और वो किसी भी पॉइंट से आप लोग ड्रा करेंगे ना उसका डिस्टेंस आपस में सेम होगा सपोज ये जो रेडियस है ये थ्री सेंटीमीटर है तो बच्चों सेंटर से अगर आप लोग इस साइड पे भी आएंगे ना यहाँ पे आके इसको टच करें सर्कल को तो ये भी थ्री सेंटीमीटर होगा यहाँ पे आएंगे तो ये भी थ्री सेंटीमीटर होगा तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से स्टार्ट होकर उसके सर्कम यानी उसकी बाउंड्री तक आए तो वो क्या चीज़ होती है हमारे पास है रेडियस होती है इसी तरह बच्चों यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है इसका एक सरकुम आपको वर्ड नज़र आ रहा है एक डायमीटर है और एक रेडियस है तो बच्चों सरकुम में देखें आप लोगों को सिर्फ इसका ये जो बाउंड्री वाला है जो इसकी एज है ना ये चीज़ हमारे पास सरकुम है और बच्चों सेंटर से जो लाइन इसके सरकुम तक या इसकी बाउंड्री तक आ रही है हमारे पास रेडियस है और डायमीटर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है एक तो उसकी ये हमारे पास करेक्टिसटी है कि वो सेंटर में से पास करेगा दूसरी ये बात है ये सर्कम फेरेंस या जो बाउंड्री ऑफ फिर सर्कल है उससे स्टार्ट होगा और उसी पे ही आके एंड होगा और ये सेंटर में से मस्ट पास करेगा अगर ये सेंटर में से पास नहीं करेगा तो ये डायामीटर नहीं होगा तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि डायामीटर क्या है रेडियस क्या है और यहाँ से हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो रेडियस है वो तो हमारे पास सेंटर से स्टार्ट होता है और एंड तक चला जाता है एक रेडियस ये हो गया दूसरा अगर सेंटर से स्टार्ट हूँ तो एक रेडियस ये हो गया तो बच्चों जब दो रेडियस मिले हैं तो एक हमारे पास डायमीटर बन गया है इट मीन्स हमारे पास क्या फार्मूला होगा डी इज़ इक्वल टू टू और और अगर हमें रेडियस फाइंड करना है और डायमीटर गिवन है तो हम टू को डी के साथ ला के डिवाइड कर देंगे और हमारे पास रेडियस हमारा फाइंड आउट हो जाएगा तो ये फार्मूला हम आगे जाके पढ़ेंगे तो बच्चों ये भी अगेन वही उस चीज़ को ही आइडेंटिफाई किया गया है यह आपको नजर आ रहा है डायमीटर तो बच्चों ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है ये उसका सेंटर है ये चीज़ इसका सेंटर है यानी ये जो हमें सर्कल एक डॉट नज़र आ रहा है तो बच्चों ये लाइन सेगमेंट देखें यहाँ पे बाउंड्री से यानी सरकम से स्टार्ट हो रही है और सेंटर में से पास करते हुए उसी पे जाके तो ये ख़त्म हो रही है इट मींस दिस इज़ अ डाया जो कि सर्कम फेरेंस टू तो सरकम जा रहा है यानी टू पॉइंट्स पे जो है कट कर रहा है इस सर्कल को और सेकेंडली सेंटर में से पास हो रहा है इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी उसके सारे पार्ट हैं सर्कम्फेरेंस है डायामीटर है और रेडियस है तो इसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बच्चों ये वाली जो फिगर है ये भी हमें वही चीज़ शो कर रही है आपको नज़र आ रहा है डायामीटर है जो फुली इसके ऊपर जा रहा है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक करेंगे तो बच्चों जब हम इसको मेयर करना शुरू करेंगे किसी भी एक पॉइंट से फॉर एग्जांपल जहाँ से मैं इसको स्टार्ट करती हूँ और मैं इसको मेयर करते हुए यहाँ तक आऊँगी उस टेप के साथ तो वो कहता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था आपका स्टार्ट करते हुए एंडिंग पॉइंट भी वहीं पर आके इसको मिले तो वो जो टोटल मेजरमेंट होगी वो इसकी बाउंड्री की इसकी एज की एक लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सिंपली इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और उसके लिए हमें किस कितने सर्कल मिलेंगे उस उसके लिए हमें कुछ इस तरह की शेप्स मिलेंगी तो बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसके अंदर डायमीटर है और सरको है इसमें भी डायमीटर और सरको है इसमें भी तो अगर डायमीटर को हम टू पे डिवाइड करें तो हम आसानी से रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमें कह रहा है द वैल्यूज सी ओवर डी वी आर सी इज़ द सर्कम एंड डी इज़ द डाया ऑफ द सर्कल ए बी सी एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल तो बच्चों ये कुछ उसने आपको मेजरमेंट्स गिवन की हुई हैं तो यहाँ पर वो कह रहा है वी कैन सी दैट द रेशो बिटवीन सरकोम एंड डाया इज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम यानी जो हमारे पास एक रेशो आ रही है सर्कम फेरेंस और डायामीटर में वो तकरीबन तो सेम है डिनोट द कॉन्सटेंट वैल्यू बाई अ ग्रीक सिम्बल पाई द वैल्यू ऑफ़ पाई विच इज़ टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्वेंटी टू ओवर सेवन और थ्री पॉइंट वन फोर तो बच्चों ये जो पाई है ये एक रेशो होती है किसके दरम्याण में सर्कम फेरेंस और डाया के दरमियान में उन दोनों का जो एक हमारे पास रेशो होती है वो किसके इक्वल होती है वो एक ये ग्रीक वर्ड है इसको कहते हैं पाई और बच्चों पाई की हमारे पास दो वैल्यू हैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और एक उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है तो ट्वेंटी टू ओवर सेवन आप यूज़ कर लें या थ्री पॉइंट वन फोर दोनों का एक ही मतलब है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सरकोम ओवर और इज़ इक्वल टू पाई तो बच्चों सरकोम के लिए हम सिंपली सी का वर्ड भी यूज़ कर लेंगे इसको सिंपल फॉर्म में और डाया मीटर जगह पर डी का और रेडियस की जगह पे आर का तो यहाँ पे देखें आर सिंपली वी कैन राइट इट एज सी और डी इज इक्वल टू पाई दे आर फॉर सी इज़ इक्वल टू डी पाई तो बच्चों डी जो है वो सी के साथ डिवाइड हो रहा है और, और दूसरी साइड पे जाएगा तो वो पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सरकम जब कभी भी आप लोग फाइंड आउट करना चाहें यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी मिली है एक फार्मूला हमें मिल गया है कि सी इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमेशा डी पाई के तो बच्चों अगर आप लोगों ने सरको फाइंड आउट करना है तो डायमीटर की जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको आप पाई से मल्टीप्लाई करें यानी थ्री पॉइंट वन फोर से या ट्वेंटी टू ओवर सेवन से तो आप सरकम फेरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरा वो कह रहा है बट वी नो दैट डी इज़ इक्ल टू तो टू आर तो बच्चों अगर आप पाई के साथ डी नहीं लगाना चाहते तो आप टू आर भी लगा सकते हैं क्योंकि डी और टू आर की वैल्यू आपस में सेम होती है हैंस सी इज़ इक्ल टू डी पाई आर टू पाई आर यानी दो फार्मूले आप इस जगह पर यूज़ कर सकते हैं सी की जगह पर या तो डी पाई या टू पाई आर वेयर सी इज़ द सर्कम फेरेंस एंड डी इज़ द डाया मीटर एंड आर इज़ द रेडियस तो बच्चो ये एक्जाम्पल भी एक मौजूद है फाइंड द सर्कम फेरेंस ऑफ अ सर्कल विद डाया मीटर थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर तो बेचो डाया मीटर हमें गिवन है तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डाया मीटर थ्री पॉइंट टू है सरकम फेरेंस फाइंड आउट करना है तो कॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं सी इज़ इक्ल टू डी पाई तो बेचो डी की जगह पर थ्री पॉइंट टू लगा दें और पाई की जगह पर ट्वेंटी टू ओवर सेवन और जब हमने इसको सिम्प्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया टेन पॉइंट जीरो सिक्स सेंटीमीटर विशवान इज़ द सर्कुम फेरेंस तो इसको वो कह रहा है आपको टू डेसिमल प्लेस आप लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं तो बच्चों इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें कह रहा है फाइंड द अनन क्वान्टिटीज़ वन पाई जो है वो ट्वेंटी टू ओवर सेवन है तो ट्वेंटी टू ओवर सेवन के बजाय आप उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी थ्री पॉइंट वन फोर भी यूज़ कर सकते हैं तो बच्चों इस क्वेश्चन में इस फिगर से हमें पता चल रहा है स्टेटमेंट नहीं इसकी आगे गिवन फर्स्ट पार्ट में कह रहा है रेडियस आपका वन पॉइंट एट सेंटीमीटर है डायमीटर भी फाइंड करें और सरकमफेरेंस भी फाइंड करें तो बच्चों आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि सरकम क्या चीज़ होती है ये जो इसकी बाउंड्री होती है ना इस तरह से ये चीज़ हमारे पास सरकम होती है बच्चों जिस तरह छोटी क्लासेस में हम लोग हमारे पास एक स्केयर की शेप होती थी इस तरह से या इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप होती थी तो इसका हम लोग एरिया के साथ साथ एक पैरीमीटर फाइंड आउट करते थे और एरिया इसका इंटरनल पोर्शन होता था सारा और पैरीमीटर में हम सिर्फ इसकी ये फ्रेम ये बाउंड्री लेते होते थे तो बच्चों ये जो हमारे पास इसकी एज होती है ना ये जो इसकी बाउंड्री होती है बेसिकली ये हम लोग पैरीमीटर ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं सर्कल का और इसके लिए हम शॉर्टेस्ट वे यूज़ करते हैं फार्मूला यूज़ करते हैं तो बच्चों रेडियस हम लिखेंगे वन पॉइंट एट है डायमीटर भी क्वेश्चन मार्क और सी भी क्वेश्चन मार्क यानी सरकमफेरेंस भी हम फाइंड करना है यूजिंग द फार्मूला तो बच्चों डायमीटर कैसे फ़ाइंड आउट करेंगे एक डायमीटर में टू रेडियस होते हैं तो टू को रेडियस से मल्टीप्लाई करें वन पॉइंट एट को टू से मल्टीप्लाई किया थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर आंसर आ गया जब डाया हम लोग उसका ए पार्ट फाइंड आउट कर चुके हैं तो सेकेंडली दूसरी चीज़ हमने जो फाइंड करनी है वो बी है यानी सरकमफेरेंस है तो उसका फार्मूला हमने डी पाई पढ़ा है तो बच्चों थ्री पॉइंट सिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई के साथ तो वहाँ पर आ जाएगा थ्री पॉइंट वन फोर यानी बच्चों यहाँ पर लिखना था पाई की जगह पर थ्री पॉइंट वन फोर जो नीचे लिखा हुआ है और जब आप इसको थ्री पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये इलेवन पॉइंट थ्री वन आपके पास आंसर आएगा अब इस चीज़ को आपने सिम्प्लीफाई कैसे करना है इस इन दोनों को ये वाला तरीका भी मैंने साथ में थोड़ा सा मेथड किया ये भी मैं आपको सिखा देती हूँ थ्री पॉइंट सिक्स है और थ्री पॉइंट वन फोर है तो बच्चों यहाँ पर देखें इस वाले पॉइंट पर ये थ्री पॉइंट सिक्स का मैंने पॉइंट रिमूव किया तो नीचे टेन आ गया और फोटीन के नीचे हंड्रेड आ गया टू डिजिट्स है बच्चों थर्टी सिक्स और थ्री फोटी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे टेन और हंड्रेड होंगे तो थाउजेंड हो जाएगा तो बच्चों इस पॉइंट को अगर आप वापस लेके आए आएँ थ्री जीरो हैं तो थ्री डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे तो एलेवन पॉइंट थर्टी आएगा और बच्चों यही बेसिकली आपका आंसर है इसको आप राउंड ऑफ करके लिख लेंगे इसी तरह बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर टू में हमें क्या चीज़ गिवन है सरकोम भी फाइंड करना है रेडियस भी डाया मीटर नाइन पॉइंट एट गिवन है और बच्चों हमें पता है पाई हमारे पास ट्वेंटी टू ओवर सेवन या थ्री पॉइंट फोर है तो सबसे पहले हम लोग अपना रेडियस फाइंड आउट करेंगे डी ये हमेशा फार्मूला याद रखिएगा जो एक डाया होता है वो टू रेडियस के इक्वल होता है तो रेडियस फाइंड आउट करना है तो टू को डायमीटर से डिवाइड कर दें डायमीटर मीटर नाइन पॉइंट एट या टू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा टू फोर ज़ार एट वन कैरी एटीन और टू नाइन ज़ार एटी और पॉइंट एज इट इज़ तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया फोर पॉइंट नाइन सेंटीमीटर तो बच्चों डायमीटर हमारे पास ऑलरेडी गिवन था सर्कम कैसे फाइंड करेंगे डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई कर दें नाइन को थ्री से तो पास क्या आंसर आ जाएगा थर्टी पॉइंट एट तो इसका भी आप लोग यहाँ पे प्रोसेस दे सकते हैं नाइन्टी एट का पॉइंट मूव किया तो नीचे टेन थ्री फोर्टीन का किया तो नीचे हंड्रेड ऊपर नाइन्टी एट को थ्री फोर्टीन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थर्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू और नीचे थाउजेंड है तो पॉइंट लगाने के लिए नीचे से थाउजेंड को ख़त्म करें तो थर्टी पॉइंट सेवन सेवन टू तो इसको अगर आप राउंड आप करें फाइव से ग्रेटर है सेकेंड डिजिट तो थर्टी पॉइंट एट आंसर आ जाएगा इसी तरह बच्चों अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें क्या चीज़ मिसिंग है तो बच्चों यहाँ पे रेडियस और डायमीटर दोनों मिसिंग है सरकम गिवन है तो हम लिखेंगे सी ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री है पाई हमारे पास ट्वेंटी टू ओवर सेवन या थ्री पॉइंट वन फोर है दोनों में से बच्चों आप कोई भी वैल्यू इसकी यूज़ कर सकते हैं मैं वैसे पॉइंट वाली ही ज़्यादा करती हूँ ट्वेंटी टू ओवर सेवन को उस वक्त आप मोस्टली यूज़ किया करें जब जो क्वेश्चन है वो सेवन का मल्टीपल हो और आप उसको आसानी से डिवाइड कर सकें तो सबसे पहले हम सी इज़ इक्वल टू डी पाई वाला फार्मूला लगाएंगे ताकि हम यहाँ से डी फाइंड आउट कर सकें क्योंकि पाई की वैल्यू भी हमें पता है और सरकमफेरेंस की भी तो वैल्यूज़ पुट करते हैं सी की जगह पे ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री सेंटीमीटर और पाई की जगह पे थ्री पॉइंट वन फोर तो बच्चों ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री से थ्री पॉइंट वन फोर डिवाइड होगा तो डी फाइंड आउट हो सकता है अब ये काम आप कैसे करेंगे तो बच्चों जब आप फर्स्ट पॉइंट रिमूव करेंगे तो उसके नीचे टेन आएगा और नीचे फोटीन के नीचे हंड्रेड आ जाएगा तो दोनों टर्म्स हमारे पास डिवाइड हो रही हैं ये वाली जो टर्म है इससे डिवाइड हो रही है तो जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली जो है उसकी दोनों वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी मल्टीप्लाई में हंड्रेड ऊपर चला जाएगा थ्री फोटीन नीचे आ जाएगा टेन टेन सर हंड्रेड होता है तो टेन को टू थर्टी थ्री से मल्टीप्लाई करें और थ्री फोटीन पर डिवाइड कर दें तो सेवन पॉइंट फोर आ जाएगा तो बच्चों सेवन पॉइंट फोर आपके पास आ गया डाया मीटर तो रे डाया मीटर इज़ इक्वल टू तो टू आ रहा है डाया मीटर को टू पर डिवाइड कर दें तो सेवन पॉइंट फोर को जब टू पे डिवाइड करेंगे तो थ्री पॉइंट सेवन सेंटीमीटर आंसर आएगा टू थ्री ज़ार सिक्स वन कैरी फोटीन ना टू सेवन जार फोटी तो बच्चों आपका रेडियस भी फाइंड आउट हो गया इसी तरह जो आपका लास्ट पार्ट है उसमें भी सरकम फेरन सी गिवन है जो कि थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स है और रेडियस और डायमीटर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों सी इज ईक्ल टू थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स पाई इज टू थ्री पॉइंट वन फोर आर ट्वेंटी टू ओवर सेवन डी और आर दोनों मिसिंग है तो बच्चों सबसे पहले हम सी इज़ ईकल टू डी पाई वाला फार्मूला यूज़ करेंगे C की वैल्यू पुट करें थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स और पाई की थ्री पॉइंट वन फोर तो बच्चों D फाइंड आउट करना है तो उसके साथ जो मजूद गिवन वैल्यू है उसको इस साइड पे ला हम डिवाइड कर देंगे डिवाइड क्यों करेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही थी तो इसको हम लोग के सिम्प्लीफाई करेंगे तो ट्वेल्व पॉइंट सिक्स आएगा कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे दोनों डिवाइड हो रही हैं तो मैं इस तरह से लिख लूँगी थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट वन फोर दोनों के पॉइंट रिमूव किए तो टेन 10 और हंड्रेड आ गए तो बच्चों डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो राइट साइड पर वैल्यूज़ को हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देते हैं फिर टेन टेंस जर हंड्रेड और थ्री नाइन थ्री नाइन्टी सिक्स जब हंड्रेड से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वो उसके साथ जीरो लग जाएगा उसको थर्ड थ्री फोर्टीन पर डिवाइड करेंगे तो ट्वेल्व पॉइंट सिक्स आ जाएगा अब बच्चों डी तो आ गया है अब आर कैसे फाइंड होगा डी इक्वल टू तो टू आ रहा है तो बच्चों आप क्या करेंगे टू को ला के डी पे डिवाइड करेंगे ट्वेल्व पॉइंट सिक्स को टू सिक्स ट्वेल्व टू थ्री जर सिक्स तो ये आपके पास इसका रेडियस आ गया तो बच्चों इसी तरह आप लोगों ने इसके जो रिमेनिंग टू पार्ट्स हैं फाइव और सी उसको भी ख़ुद से सॉल्व करना है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें अल्लाह हाफ़िज